प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। सुख समृद्धि का प्रतीक है स्वास्तिक। शुभ कार्यों की शुरुआत है स्वस्तिक। कोई उपासना हो, साधना हो, हर देव और देवी की पूजा में बेहद खास है स्वस्तिक। वेदों में स्वस्तिक को संपूर्ण जगत का कल्याण करने और अमरत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। स्वस्तिक की चार रेखाओं, चार वेद, चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार लोक और चार देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। वैदिक ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर कुछ विशेष चिन्हों की रचना की। इन चिन्हों में एक है स्वस्तिक। स्वस्तिक को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इसे सूर्य और विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं स्वस्तिक इतना खास क्यों है। स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसके मध्य भाग को विष्णु की नाभि, चारों रेखाएं ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेद माने जाते हैं। स्वस्तिक की चारों बिंदुएं चारों दिशाओं को दर्शाती हैं। स्वस्तिक को विष्णु का आसन और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। स्वस्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। चंदन, कुमकुम और सिंदूर से बना स्वास्तिक ग्रह दोषों को भी दूर करने वाला होता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। स्वास्तिक बनाने के लिए सबसे पहली बात कि इसका रूली का लाल रंग का होता है। लाल रंग ये बहुत ही शुभ माना जाता है और तमाम प्रकार की जो भी बाधाएं होती हैं उसको दूर कर देता है। लाल रंग अशुभता को दूर करता है। वैसे तो स्वास्तिक हम लोग कई रंग का बना सकते हैं, हल्दी का बना सकते हैं, रूड़ी का बना सकते हैं, काले पदार्थ से बना सकते हैं, सफ़ेद चीज़ से भी बना सकते हैं, लेकिन लाल रंग का जो स्वास्तिक होता है सिंदूर से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। लेकिन जो लाल रंग का सिंदूर तो बहुत ही शुभ माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है और तमाम प्रकार की विध बाधाओं को हरने के लिए माना जाता है। यह हनुमान जी का और गणेश जी का प्रतीक होता है। जो लाल रंग है यह सूर्य का प्रतीक होता है और हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि लाल रंग जो है यह ब्रह्मा का पर्याय है, यानी यह पूरे विश्व का और सनातन धर्म को यह नेतृत्व करता है। यह लाल रंग जो है सूर्य जो ऊर्ज का प्रतीक है, जो हमारे ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारे शांति का प्रतीक है, जो यह वायुमंडल का राजा है जिससे हमारी सृष्टि चलती है, यह लाल रंग यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह रक्त कारक है, यह बल कारक है, यह शक्तिशाली है। एक ऐसा चिन्ह जो चारों दिशाओं में शुभ और मंगल को आकर्षित करता है। स्वास्तिक को विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र भी माना गया है। हर शुभ कार्य की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है। यह मंगल भावना और सुख सौभाग्य का प्रतीक है। तो आइए अब आपको बताते हैं स्वास्तिक का धार्मिक महत्व क्या है। धार्मिक रूप से स्वास्तिक महत्वपूर्ण है। स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। इसी प्रकार स्वास्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वास्तिक एक विशेष आकृति है। इसको किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के पूर्व बनाया जाता है। इसको कार्य की शुरुआत और मंगल कार्य में रखते हैं। ये भगवान गणेश का रूप भी माना जाता है। इसके प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। जिस पूजा उपासना में स्वास्तिक का प्रयोग नहीं होता वो पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती। स्वास्तिक को सतिया भी कहा जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो देवताओं के चारों ओर घूमने वाला आभामंडल का चिन्ह है। स्वास्तिक के आकार का होने के कारण इसे शास्त्रों में शुभ माना गया है। स्वास्तिक को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में विभिन्न स्वरूपों में मान्यता प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया, फिर ये पूरे विश्व में फैल गया और आज
स्वास्तिक हर शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।